सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं और इसमें हमें स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए थे, है ना। और ये बताया गया था कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ हैं, और अगर हम अपने शरीर को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते, साफ़ सुथरा नहीं रहते तो उससे क्या क्या हानियाँ हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा और आप भी इन स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को अवश्य अपनाएंगे। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्दार्थ। तो देखिए शब्दार्थ, शाबाश। शाबाश क्या होता है? एक प्रशंसा सूचक शब्द है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शाबाश। स्वच्छ, स्वच्छ क्या होता है? साफ, पवित्र। तंदुरुस्त, स्वस्थ। तंदुरुस्त क्या होता है? स्वस्थ। तरोताजा, तरोताजा ताजगी भरा। कीटाणु, कीटाणु क्या होती हैं? रोगाणु, जिनसे रोग फैलता है, रोग के छोटे छोटे अणु, उन्हें कहते हैं कीटाणु। विटामिन, विटामिन एक पौष्टिक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आगे शब्द दिए हैं उच्चारण के लिए, ये मैं बोलूंगी, आपको भी मेरे पीछे बोलने हैं। सुषमा, पहला क्या है? सुषमा। तोशी, तोशी। मम्मी, मम्मी। पाँव, क्या है? पाँव। गंदगी, गंदगी। स्वच्छ, स्वच्छ। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। आलस्य, आलस्य। कीटाणुओं, कीटाणुओं। शुद्ध, शुद्ध। स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य। आगे प्रश्न है, सोचें और बताएं, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? किस पर गेम खेल रहे थे बच्चे? मोबाइल पर। वेरी गुड, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? दूसरा प्रश्न है कि सुषमा ने बच्चों के बीच में जाकर क्या कहा? सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो दो काम की बात ही सीखोगे। अब सुषमा ने क्या कहा, दोबारा देखो, कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने को मन भी करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता, है ना। और इस प्रकार हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाता है। तो दोबारा देखो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें भूख भी अच्छी लगती है, हमारा काम करने में मन भी करता, काम करने को भी मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, हंसने हंसाने को मन करता है ना, और काम में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। इस प्रकार हमारा जीवन सुखी हो जाता है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो इन रिक्त स्थानों में भरने की कौन सा किसमें आएगा, चलो आइए देखते हैं। बुरी बात है गंदगी, वेरी गुड। बुरी बात है गंदगी। अच्छी बात है सफाई, अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ, क्या आएगा? हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट कर कोष्ठक में लिखें। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा आएगा इसका देखते हैं। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। क्यों शाबाशी दी? जब वे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए, या जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए, क्या आएगा? शाबाश, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। घ, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। अगला है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है।
यह बात किसने कही? किसने कही थी यह बात? दादाजी ने। किसने कही थी? दादाजी ने। इसमें क्या जाएगा? क। आगे देखो, ये प्रश्न उत्तर है, इनके उत्तर आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, दादाजी शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में मुढ़े पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? चौक में। चौक में मुढ़े पर बैठे थे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? यह बात किसने किसको कही? यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। सुषमा कौन थी? उनकी मम्मी थी ना। तो यह बात सुषमा ने अपने बच्चों तोशी, बिट्टू और हनी से कही। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? क्या नाम था किराएदार के बच्चों का? हाँ, किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। क्या नाम था? खुशी और अनु। दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? कब आई थी दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर? जब खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर आ गई। जब खुशी और अनु दादाजी के पास आकर बैठ गए और उनके हाथ पांव क्या थे? गंदे थे। तब दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर आ गई। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो कौन कौन सी लाइनें हैं? देखो, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है ना। और कौन सी है? साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो तो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। तो ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जो इस पाठ में साफ सफाई से संबंधित आई हैं, तो आपको उनको छांट कर लिखना है। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? तो आपको कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं आप जानते ही हैं। तो देखिए, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवार्मिंग और कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, है ना। दोबारा देखो, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवार्मिंग और कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। तो भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है, हमें जो है वो क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटो। तो पाठ में बहुत से शब्द आए हैं सर्वनाम शब्द, जैसे हम, हमें, हमारा, हमारी, तुम, तुम्हें, है ना। मानेगा तुम्हें क्या मिल जाएगा इन खेलों से? तो तुम्हें, आप, वे, उसका, उसकी, जिनको, उनको, ये सब जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। यहाँ पर शुद्ध को रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण है। क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है? शुद्ध है। तो आप भी विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांट कर लिखो। तो कौन कौन से हैं? उनके हाथ साफ नहीं थे। तो साफ जो है वो क्या है? विशेषण है। पांव भी गंदे थे। गंदे जो है वो भी क्या है? विशेषण है। और देखो, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। अच्छी बातें, अच्छी क्या है? विशेषण है। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर गंदा जो है वो क्या है? विशेषण है। यानी वो पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है? गंदा। तो इस प्रकार से आप भी ऐसे ही वाक्य जिनमें संज्ञा की विशेषता बताई गई हो वो छांट कर लिखेंगे। आगे है, स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? उनके नए अपनाने से क्या क्या हानि हो सकती है? तो सारणी में लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है? स्वस्थ रहने के तरीके, और दूसरी तरफ उनको नए अपनाने से हानि। तो स्वस्थ रहने के बहुत से तरीके हैं। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, शरीर को साफ रखें, सुबह शाम ब्रश करें, हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, है ना। घर में धूल और गंदगी नहीं होने दें, उनको हमेशा साफ करें। पानी हमेशा छान कर पिएं, खुले में पड़ी हुई चीज़ों का उपयोग ना करें।
खुली धूप ताजी हवा का सेवन करें और हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। तो ऐसी बहुत सी तरीके हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर हम इन तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, तो इनसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और हमें कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, है ना, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमें भूख भी नहीं लगेगी, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब देखो साफ़ सफाई से क्या क्या लाभ हैं ये भी बताओ। तो साफ़ सफाई से सबसे पहला लाभ है कि साफ़ सफाई से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, है ना, और हमारा शरीर और दिमाग जो है वो भी स्वस्थ रहता है। साफ़ सफाई के कारण स्वस्थ रहने से भोजन भी शीघ्र पचता है और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है और आलस्य हमारे निकट भी नहीं फटकता, है ना, और साफ़ सफाई से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम हर समय तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी समझ में आ गया होगा कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को और सबसे ज़रूरी अपने शरीर को अवश्य स्वस्थ स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद।